जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के इम्पॉर्टेंट वीडियो हम अपने चैनल में अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, आज हम कुछ करेंट अफेयर सीजी के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन सब की नोट्स मैंने बना रखी है, तो मैं यहाँ पे पढ़ के आपको समझाऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन क्या निकलेगा और यहाँ से आपको क्या करना चाहिए। पहला टॉपिक है छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव। छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव 12 से 14 जनवरी के बीच रायपुर में इसका आयोजन किया गया। तो डिपेंड है ये क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ महोत्सव कहाँ पे हुआ, युवा महोत्सव रायपुर में हुआ और इसकी तिथि 12 से 14 जनवरी के बीच इसको आयोजित किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, इसकी डिटेल ले लो। इसमें होता क्या है, इसमें गायन, डांस, नृत्य, बहुत सारे प्रकार की कलाओं को इसमें दिखाया जाता है। 25 संस्कृतियों ने इसमें भाग लिया था, मतलब 25 प्रकार के टाइप्स की प्रकार के इसमें बहुत सारी कलाकार आयोजन किया गया है ना, मतलब कलाकार द्वारा इनका आयोजन किया गया। ठीक है, तो देखो इसको ऐसा नहीं पढ़ना कि क्या हुआ क्या नहीं। पहला चीज, छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव कहाँ पे हुआ, पहला क्वेश्चन रायपुर। सेकंड, इसकी तिथि 12 से 14 जनवरी के बीच। उसके अलावा ज्यादा इसमें कुछ पूछेगा नहीं। ये एक पहला पॉइंट था जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं सेकंड जो हुआ है। सेकंड क्या हुआ है, वो हुआ है शहीद वीर नारायण सिंह महोत्सव 2019 की बात हो रही है। 2019 इसकी आयोजन हुआ था 15 दिसंबर 2019 को। इसका आयोजन हुआ था 15 दिसंबर 2019 को और आयोजन हुआ था सेंट्रल रायपुर सेंट्रल पार्क। ठीक है, साउथ सेंट्रल पार्क रायपुर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, ये बस आपको याद रखना है इसकी तिथि जो कि है 15 दिसंबर 2019 और इसका आयोजन स्थल हुआ था साउथ सेंट्रल पार्क रायपुर। ठीक है, इसका शुभारंभ, इसके शुभारंभ करने वाले का भी नाम याद रखना है, डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम। ठीक है, डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी थे। ठीक है, तो वो याद रखना, आपको लेंदी नहीं पढ़ना है कि पूरा पढ़ रहे हैं क्या हुआ था, नहीं, क्वेश्चन जो पूछ सकता है वही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे और इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है ना, कि पुरस्कार नहीं पूछ सकता किसको मिला क्या है। इंपॉर्टेंट था कहां पे हुआ, ओपनिंग किसने की, बस उसकी तिथि। ठीक है, अगला है 42 राउत नाचा महोत्सव 2019। अब 42 नंबर का, ये 19 का बता रहा हूं। ठीक है, कहां पे हुआ, ये हुआ है लाल बहादुर शास्त्री मैदान बिलासपुर में हुआ। कहां पे हुआ याद रखना है, बिलासपुर में हुआ। कब हुआ, 16 नवंबर 2019। ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दो लाइन को आप ध्यान से देखना, कहां पे हुआ कैसे हुआ करके। ठीक, इसमें जो प्रथम पुरस्कार जो प्राप्त किए है वो है भरनी परसदा राउत नाचा पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पुरस्कार आपको याद रखना है कि कहां पे हुआ और कैसे हुआ करके। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्लियर करा रहा हूं, इसकी ऑब्जेक्टिव मैं दे दूंगा। ठीक है, तो याद रखना कि ये सब जो डेट्स है, ये जो महोत्सव से क्वेश्चन बनते हैं वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, पटवारी, सीजीपीएससी किसी में भी बन सकते हैं। तो पूरा कंप्लीट वीडियो को देखिए। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए शर्मा कोचिंग क्लासेस के। ठीक, अगला है गड़िया महोत्सव कांकेर। इसमें साफ साफ आ गया है कांकेर, मतलब कांकेर में हुआ, 2019 है गड़िया महोत्सव 2019 कांकेर, तो कांकेर में तो आयोजन हुआ, इसलिए अलग से कुछ पूछेगा नहीं। अब इसमें आयोजन की तिथि जो है वो 19 सितंबर से 5 अक्टूबर है। 19 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच इसका आयोजन हुआ। इसके बारे में और ज्यादा कुछ मत करना है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं। इस महोत्सव का शुभारंभ 29 सितंबर 2019 को प्रो कबड्डी प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ था। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है ना, पर इतना ही आप याद रखना, जो मैं बता रहा हूं उतना ही पढ़ना लिमिट में। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमको क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में बहुत कुछ दिक्कत हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 35वां चक्रधर समारोह 2019। ठीक है, बिल्कुल चक्रधर से क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, ये आप ध्यान रखना। इसमें आयोजन है 2 से 11 सितंबर 2019 में, कहां हुआ है, रामलीला मैदान रायगढ़। रामलीला मैदान रायगढ़ में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था इसका कहां आयोजन हुआ और ये कौन से नंबर का समारोह है। ठीक,
उसके अलावा ज्यादा कुछ मत पढ़ना, एमसीक्यू कराऊंगा उसमें सब कवर हो जाएगा। अगला खेल महोत्सव रायपुर, खेल महोत्सव रायपुर 2019 इसका आयोजन हुआ था 28 से 29 दिसंबर के बीच, ठीक है, समापन हुआ था 12 जनवरी को, ठीक है। इसका मेन जो उद्देश्य था क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो खेल में जो प्रतिभाएं छिपी है उसको बाहर निकालना, मतलब गांव के जो खेल होते हैं ना, गांव में जो खेल होते हैं या गांव में जो बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनको बाहर लाना और देश विदेश में उनको दिखाना कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी अच्छा खेल सकते हैं, ठीक है। अगला है रामगढ़ महोत्सव 2019। रामगढ़ महोत्सव आयोजन आषाढ़ माह का प्रथम दिन रहता है, ठीक है। आयोजन स्थल रामगढ़ सरगुजा, ठीक है। उद्देश्य है कि भावी पीढ़ी को संस्कृति से परिचित कराना, मतलब अभी जो हमारे यंग जनरेशन है उनको संस्कृति, हमारी संस्कृति कैसी है, हमारा कल्चर कैसा है, ये बताना, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको ये बताना कि आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। इसकी पीडीएफ आपको कुछ देर के बाद वीडियो ग्रुप में अपलोड कर दी जाएगी और इसकी पीडीएफ हम आपको दे भी देंगे, ठीक है। हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिले, ठीक है। शर्मा कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे दो पेड कोर्स चल रहे हैं, एक मिशन पटवारी और असिस्टेंट प्रोफेसर, उससे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर हमें कॉल कर लीजिए, ठीक है। ध्यान से पढ़िए और सटीक पढ़िए, ठीक है। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, सटीक डाटा रखिए पर वो याद होने चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूं। ओके, बाय।